गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोग देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल रॉकस्टार। मैं हूँ आपका शेफ गोपी। तो आप लोगों के लिए आज लेके आया हूँ बहुत ही शानदार रेसिपी। उम्मीद करता हूँ आप लोग सभी अच्छे होंगे, मैं भी बहुत ही अच्छा हूँ। तो आप लोगों के लिए, जो लोग चिकन खाना बहुत ही पसंद करते हैं, वो लोगों के लिए खास रेसिपी है। तो आज लेके आया हूँ इंडियन फेमस बटर मसाला चिकन। तो आज आप लोगों को उसी के बारे में बात करने वाला है और पूरा मेकिंग प्रोसेस आप लोगों को दिखाने वाला है। बहुत ही एकदम आसान है। जो लोग खाना पसंद करते हैं बटर मसाला चिकन, रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है तो वो लोगों को रेस्टोरेंट जाने का जरूरत है ही नहीं। आप घर पे भी एकदम आसानी से ये रेसिपी बना सकते हो। बहुत ही आसान है रेसिपी घर पे बनाना। अगर कोई फैमिली आए या कोई रिश्तेदार आए, वो लोगों को बना के आप लोग आराम से खिला सकते हो। बहुत ही अच्छा रेसिपी है। और अगर रेसिपी मेरा पसंद आए तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरा चैनल को फॉलो कर लीजिए। और अगर मेरा, जो लोग मेरा वीडियो फेसबुक से देख रहे हो, वो लोग मेरा फेसबुक जो आईडी है उसको फॉलो कर लीजिए, ताकि मेरा जो वीडियो का नोटिफिकेशन है वो आप लोगों को आसानी से मिल जाए। तो मेरा रेसिपी आप लोगों को मिलते रहेगी। ऐसा मैं नया नया रेसिपी आप लोगों के सामने लेके आते रहूंगी। तो अगर अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलो आगे बढ़ते रेसिपी का तरफ। तो सीधा लेके जाता है आप लोगों को किचन का तरफ। तो चलिए मैं, हम लोग जाता है अभी किचन का तरफ। आप लोग देख लीजिए पूरा। और मेरा एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि वीडियो जो है ना वो पूरा देखिए। अगर पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो आप लोगों को मालूम नहीं पड़ेगा कि क्या डाल रहा हो क्या नहीं डाल रहा हो। तो इसके लिए आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, आप लोग वीडियो पूरा देख लीजिए। और अगर वीडियो देखने के बाद, पूरा देखने के बाद अगर वीडियो अच्छे लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में जरूर बताइए कि कैसा लगा मेरा रेसिपी। तो चलो गाइस लेके जाते हैं सीधा किचन का तरफ। और मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ लेग चिकन, क्योंकि मैं बूफे के लिए बना रहा हूँ तो इसके लिए लेग चिकन यूज़ कर रहा हूँ। इसमें डाला सॉल्ट एंड पेपर। तो देख सकते हो इसको मैरिनेट के लिए मैं सॉल्ट पेपर और जिंजर गार्लिक पेस्ट हो गया, और इसमें चिल्ली पाउडर मैं ऐड कर रहा हूँ, और इसमें ऐड कर रहा हूँ सनफ्लावर ऑयल। तो ये इसमें मैं मैरिनेट करके रखेंगे इसको, चिकन को कम से कम आधा घंटे के लिए रख देंगे उसको, ताकि इसको मैरिनेट जो है ना ऑल चिकन में अच्छे से मिल जाए। और इसके लिए चाहिए मेरे को ऑनियन एंड टोमेटो एंड गार्लिक चॉप। और इसके लिए मैं ले लिया है ये इंडियन ग्रेवी, येलो ग्रेवी। तो इसका वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी इसका वीडियो लिंक। इसका मैं वीडियो ऑलमोस्ट पहले से डाल के रखा हो। तो इसके लिए मैं ले लिया कढ़ाई, और इसमें डाल रहा हूँ मैं सनफ्लावर ऑयल। क्योंकि मैं ये बूफे के लिए चिकन बना रहा हूँ तो इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ लेग बोल में। और इसमें डाल दिया मैं खड़ा मसाला, जो गरम मसाला आता है, जैसे कि ब्लैक पेपर, बे लीफ, सिनेमन स्टिक एंड ग्रीन कार्डेमम, ब्लैक कार्डेमम, ये सब मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसमें डाल दिया मैं गार्लिक चॉप। जैसे गार्लिक चॉप थोड़ा सौते हो जाएगा, उसके बाद डाल देंगे ऑनियन चॉप जो मैं पहले से करके रखा था। ऑनियन चॉप उसको मैं डाल दिया इसमें। इसको अच्छे से सौते कर लेंगे जबकि इसका जो कच्चा स्मेल है वो निकल जाए। कच्चा स्मेल अगर चिकन में आएगा तो खाने में उतना खास नहीं लगेगा, तो इसके लिए अच्छे से भूनना जरूरी है। तो हल्का जैसा गोल्डन कलर आ जाएगा ना इसमें, तो बाकी जो चीज़ है वो ऐड करने वाला हो। देख सकते हो मेरा जो ऑनियन है वो ऑलमोस्ट अच्छा कलर आ चुका है। तो अभी इसमें हो गया ऑलमोस्ट ऐड करने वाला है जो है वो, तो अभी इसमें इस्तेमाल करने वाला हूँ अच्छा से कलर आ गया। ले लिया ऐड कर रहा हूँ मैं टोमेटो। टोमेटो डाल दिया मैं। जो बटर मसाला चिकन है उसमें ऑनियन टमेटो एंड गार्लिक चॉप बहुत ही जरूरी है। इसमें मैं चिकन यूज़ करने वाला हूँ, कच्चा मसाला है नहीं। आप लोग इसका जो करके भी यूज कर रहा हूँ अभी इसमें अच्छा से थोड़ा सा सौदे कर। इसमें जो मैं चिकन यूज़ कर रहा हूँ वो कच्चा चिकन यूज़ कर रहा हूँ।
एकदम आसान है रिचुअल बनाना। आप लोग इसका कम से कम दो चार मिनट कम से कम कुक करना पड़ेगा टोमेटो को, ताकि इसका जो खट्टा इसमें निकल जाए राइस का साथ जो भी है। और इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं लाल मिर्ची पाउडर, ये बिल्कुल स्पाइसी नहीं है, एकदम थोड़ा सा स्पाइसी है बट एक कलर के लिए, तो इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ। इसको मैं कश्मीरी चिल्ली भी बोल सकते हो, चिली चिल्ली भी। और इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ मैं टर्मरिक पाउडर, जो हल्दी पाउडर है, जो इसका जो बटर मसाला चिकन का जो कलर वो अच्छे से आए, एकदम दिखने के लिए मस्त लगे। और इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ जो मैरिनेट करके रखा था कम से कम आधा घंटा वो चिकन, क्योंकि मैं इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ चिकन लेग बोनलेस। आप लोग चाहे तो चिकन लेग बोन यूज कर सकते हो, बट मैं चिकन के लिए बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं बोनलेस यूज कर रहा हूँ, ताकि इसमें बिल्कुल हड्डी ना रहे। दूसरे का चिकन है तो इसमें बिल्कुल नहीं चाहिए, तो आप लोग घटन बना सकते हो। इसमें इस्तेमाल कर रहा हूँ थोड़ा सा वाटर, ताकि चिकन को जो है ना वो अच्छे से कुक कर सकते हो। अच्छे से मसाला जो है वो मिला लिया चिकन में, तो इसको अच्छे से कुक करना पड़ेगा, जिसका चिकन अगर कुक हो जाएगा बस इसमें हो गया। और इसमें थोड़ा सा सॉल्ट यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं पहले से चिकन में जो है ना सॉल्ट इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो इसके लिए थोड़ा सा इस्तेमाल कर रहा हूँ। और अगर टेस्ट करने के बाद फिर बाकी सॉल्ट ऐड करूँगा। इसमें डाल रहा हूँ मैं पियोलो ग्रेवी, जो इसका जो वीडियो है वो मैं लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, तो आप लोगों को मिल जाएगा आसानी से। जो येलो ग्रेवी का जो वीडियो है वो भी मिल जाएगा, क्योंकि इसका वीडियो मैं पहले से बना। और इसमें जो बटर चिकन बना रहा हूँ, तो इसके लिए बटर का होना ज़रूरी है, तो इसके लिए मैं बटर डाल चुका हूँ। और इसमें ऐड कर रहा हूँ मैं कस्तूरी मेथी। मेरा जो बटर चिकन है वो ऑलमोस्ट हो चुका है, और बटर चिकन में अगर क्रीम नहीं रहेगा तो उसका मज़ा ही नहीं आएगा, तो इसके लिए मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें क्रीम। और मैं इसमें क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ अमूल कंपनी का। आप लोग दूसरा ब्रांड भी यूज़ कर सकते हो, कितनी क्रीम भी आता है उसको भी यूज़ कर सकते हो, क्योंकि मेरा पास जो है ना अवेलेबल है अमूल क्रीम, तो इसके लिए मैं अमूल क्रीम इस्तेमाल कर रहा हूँ। देख सकते हो मेरा डिस्क्रिप्शन में कितना शानदार बन चुका है, एकदम नाइस, कितना अच्छा बिल्कुल आ रहा है। आप लोग भी ऐसा चिकन बना सकते हैं एकदम आसानी से। मेरा जो चिकन है वो ऑलमोस्ट बन के रेडी हो चुका है। और अगर मेरा वीडियो अगर आप लोगों को अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आप लोगों का सब्सक्राइब करने का वजह से हम लोगों को जो है ना वो मोटिवेशन मिलता है कि आगे और भी वीडियो बनाओ। तो इसके लिए आप लोगों को एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल को आप तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और देख सकते हो मेरा जो चिकन बटर चिकन मसाला है वो ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। और तब तक के लिए ओके, आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।